सो so, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी और सुंदर दिखने वाली पॉप स्लीव्स तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बगल में एक छोटी सी घंटी है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक ईजीली पहुँच जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा तो यहाँ पर मैं आपको मार्किंग सबसे पहले बता देती हूँ मेरी जो फुल लेंथ है वो ट्वेल्व इंचिस की है बट यहाँ पर मैं बॉर्डर लगाने वाली हूँ इसलिए मैं टू इंचिस को छोड़ दूँगा एंड टेन इंचेस पे मैं मार्क करूँगी। सो so, यहाँ पे टेन इंचेस पे मार्क करने के बाद ग्रिड स्केल की हेल्प से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद हम अपने आर्म होल का मेजरमेंट ले लेंगे सेवेन इंचेस हमारा फिटिंग होगा तो मैं यहाँ पे मार्क कर ले रही हूँ। एंड यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी जो कि थ्री इंचेस पर होगा थ्री इंचेस पर मैं एक लाइन ड्रॉ करने के बाद स्ट्रेट ग्रिड स्केल से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी अगेन मैं टू इंचेस का फिटिंग के लिए मार्किंग लूँगी एंड इससे भी मैं ग्रिड स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी एंड देन मैं इसे अपना आर्म होल का शेप दे दूँगी एंड इसे मैं ऊपर तक ले जाने वाली क्योंकि मुझे यहाँ पर पफ चाहिए तो आपको जितना बड़ा चाहिए होगा ना आप उतना बड़ा फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं अपने कपड़े को आप और बढ़ा के ले सकते हैं तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही पफ रखा है आप और भी बढ़ा कर ले सकते हैं एंड यहाँ पे भी मुझे नीचे पफ़ चाहिए इसके लिए यहाँ पे मैंने एट इंचिस का मेजरमेंट करके लियो अगर आपको ज़्यादा पफ क्रिएट करना है तो आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं ट्वेंटी इंचज ट्वेंटी टू इंच आपके अकॉर्डिंग आप पफ़ के हिसाब से ले सकते हैं तो यहाँ पर मैं एटीन इंचिस का मार्क करके ले रही हूँ एंड अब हम इसे कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंड्स जो भी एडेस शार्प है ना उसे मैं थोड़ा सा ठीक करके ले लूँगी ताकि कटिंग करे तो वो एजेस शार्प ना हो अब मैं क्या करूँगी सब कुछ कटिंग करूँगी फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए जो बेल का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक ईजीली पहुँच जाए सो so कटिंग करने के बाद गैदरिंग मैं अपने हाथों से नहीं करूँगी मैं मशीन से करूँगी इस तरीके से गैदरिंग मुझे छोटे छोटे गैदरिंग चाहिए ऊपर भी और नीचे भी तो मैं मशीन का यूज़ करने वाली हूँ तो सबसे पहले मैंने क्या किया है अपनी सिलाई को सबसे बड़ी वाली कर ली है एंड उसके बाद मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी एक कच्चा सिलाई लगाऊँगी एंड देन मैं उस सिलाई को जो धागा है ना उसमें से एक धागा निकाल कर उसे पुल करूँगी तो ये अपने आप गैदर होना शुरू हो जाएगा आप ये देख सकते कितनी अच्छी तरीके से गैदर हो रहा है तो इसी तरीके से गैदर इसे कर सकते हैं आप मशीन से भी दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से कर लेती हूँ आपका जो आर्म होल का मार्किंग है आप उसके अकॉर्डिंग अपना गैदर कर सकते हैं मैं उतना ही रखूँगी जितना मेरा आर्म होल का मेजरमेंट है अगेन मैं नीचे भी वही करूँगी मैं सबसे पहले बड़ी सिलाई करूँगी उसके बाद छोटी तो सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ इसे पक्की भी कर लेती हूँ जैसे कि हमारी जो सिलाई है वो कच्ची है तो टूट सकती है तो इसे मैं पक्की कर रही हूँ फिर इसे पक्की करने के बाद जो नीचे हम करेंगे ना उसके लिए भी हम क्या करेंगे सिलाई बड़ी कर लेंगे वापस से एंड इस पर भी हम ऐसे ही चिलएँगे अभी मैं वापस से बड़ी सिलाई की हूँ एंड मैं इस पर चला रही हूँ इसके बाद अगेन मैं क्या करूँगी इसे पुल करके लूँगी जब गैदर हो जाएगा तो मैं वापस से सिलाई को अपनी पक्की करने के लिए जो सिलाई है हमारा उसे छोटा वाला कर लूँगी एंड देन मैं पक्की कर लूँगी इसके बाद हम इसका बेल्ट लगाएंगे आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से गैदर हो रहा है तो मशीन से भी आप बहुत इजीली गैदरिंग कर सकते हैं इसमें जो कॉर्नर में चार पैजेस दिख रहे हैं उसको बाद में हम कट करके सीधा कर लेंगे आप ये देख सकते हैं गैदर होने के बाद ये जो कुछ साइड में कॉर्नर में ऐसा दिख रहा है ना उसको हम कट करके ले लेंगे अब यहाँ पर मुझे उतना रखना है जितना कि मुझे स्लीवस के लिए चाहिए फ़िटिंग करने के लिए उतना ही मैं लूँगी एंड देन मैं पक्की सिलाई चला रही हूँ इस पर पक्की सिलाई इसलिए करेंगे ना ताकि जो हमारी कच्ची सिलाई है वो जल्दी से टूट सक है इसलिए हम अगेन पक्की करेंगे इसके बाद इस पर हम बेल्ट अटैच कर लेंगे बेल्ट कैसे अटैच करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ तो वीडियो स्किप मत करिए आप लोग वीडियो पूरा देखिए ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आए तो यहाँ पे मैं ये कॉर्नर का जो हिस्सा है उसे कट करके ले लूँगी इस तरीके से मैं इसे कट करके ले लूँगी आप ये देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है अब मैं इस पर बेल्ट अटैच कर रही हूँ ये आप बड़ा भी कर सकते हैं अगर आपको बड़ा चाहिए तो बट मैं यहाँ पे टू इंचज़ का चाहती हूँ इसलिए मैं छोटा कर रही हूँ अब दोनों कॉर्नर्स के साइड पे इस तरीके से मैं एक फ़ोल्ड करूँगी एंड एक सिलाई लगा लूँगी दोनों साइड पर यहाँ पर मैंने इस साइड पर भी लगा लिया है एंड इस साइड पर भी रॉन्ग साइड पर हमें फ़ोल्ड करना है तो मैंने रॉन्ग साइड पर फोल्ड करके सिलाई लगाई देन इस तरीके से आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में मैं रख के एंड इसे फोल्ड करके सिलाई करूँगी आप देख किस तरीके से मैंने बीच में रखा है हमारे गैदर को एंड इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे अगर आप लोगों को सिलाई लगाने में प्रॉब्लम आ रही है इस पार्ट पे तो आप क्या कर सकते हैं बॉल पेन का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको सिलाई लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसके बाद मैं फ़िटिंग कर लूँगी एंड इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है आप ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बगल में एक छोटी सी घंटी उसे भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक ईजिली पहुँच जाए सो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ टिल दैन पॉप Bye. Have a nice day.